Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics of your chapter number 9, the making of the national movement 1870s to 1947. Okay, so topic pe chalte hain, the happenings of 1922 to 29. So iske beech mein kya kya happenings ya phir kya kya ghatnaen hui thi uske bare mein zara sa pata karte hain. Okay, so Gandhi called off the movement, non-cooperation jo movement jo chala rahe the, satyagraha kar rahe the, unko na called off kar diya, yani ki unko band kar diya tha. Bahut se log the jinki umeedein judi hui thi is movement se, lekin baad mein unhone इस मूवमेंट को रोक दिया. उसका ये रीजन था कि चौरी चौरा इंसिडेंट उस वक्त हो गया था. चौरी चौरा एक मार्ग था, उसके ऊपर एक पुलिस स्टेशन था जिसके अंदर ब्रिटिशर्स रहते थे, ब्रिटिश पुलिस थी. ठीक है, सो उस वक्त पे 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी बाय पीजेंट्स. ठीक है, बहुत से किसान थे, उन लोगों ने उस जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी थी एंड उसमें 22 पुलिस स्टेशन मारे गए थे. ठीक है, वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो पीजेंट्स थे ना, उन पीजेंट्स को ऐसा लग गया था, आभास हो गया था कि भाई ये जितने भी ब्रिटिशर्स है ना, वो हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को ढंग से चलने नहीं दे रहे, डिमॉन्स्ट्रेशंस को चलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए कहीं भी वो ब्रिटिशर्स को देखते थे तहश में आ जाते थे. उनको अब तो काफी ज्यादा सपोर्ट मिल ही गया था गांधी जी का. सो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने ये कांड कर दिया था, ये चौरी चौरा कांड उस वक्त पे काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था. इस वजह से गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया था क्योंकि ये उनके आदर्शों के खिलाफ था. आपने लोगों को मारा, जितने भी पीजेंट थे उन्होंने लोगों को मारा, हत्याएं करी, साथ ही साथ आग लगाई, ये हिंसा मानी गई. लेकिन गांधी जी अहिंसा की ओर ही अपना पूरा जो पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको दर्शाते थे. ठीक है, because of the Chauri Chaura in February 1920, civil disobedient movement was launched in 1930 by Gandhians. ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को भी लॉन्च करा गया था 1930 में और फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था. ठीक है, इस बीच या फिर इस दौरान में बहुत सी ऐसी नई पार्टीज बनी जो गांधी जी के आदर्शों और आइडियल से काफी परे सोचती थी, यानी कि गांधी जी जैसे अहिंसा पे विश्वास रखते थे, यानी कि हिंसा नहीं करनी, वायलेंस नहीं करना है, सिर्फ शांति से मूवमेंट्स करने हैं, पीसफुल करना है. वैसे ये जितनी भी पार्टीज थी ना, इनमें एक जोश था कि इनसे स्वराज छीनना है, हमें कोई पीसफुल मूवमेंट नहीं करने है. पीसफुली आज तक कोई भी जीत मिली है क्या? नहीं ना. सो वो मूवमेंट्स थे और वो जो पार्टीज थी वो थी भगत सिंह की पार्टी, सुखदेव की पार्टी और बहुत से अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के भी नाम यहाँ पे आते हैं. ठीक है, बटुकेश्वर दत्त आ जाते हैं, फिर राजगुरु आ जाते हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता है. ठीक है, सो पॉइंट पे आते हैं, न्यू पार्टीज वेयर इंट्रोड्यूस्ड हु वांटेड फ्रीडम इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, उसमें आता है RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आता है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी आता है जहां से कौन थे, जहां से थे भगत सिंह. ठीक है, इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड इन जैन 1930. ठीक है, प्रेसिडेंट थे नेहरू उस वक्त पे नेहरू जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था. 1930 के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस डे जनवरी में क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को होता है ना, लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को, इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट करा गया था, ये आपको याद रखना है. ठीक है, सो जरा पार्टी की तरफ चलते हैं. ये देखिए, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन भी इसको, इनका जो स्लोगन था वो था लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन. साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है. ठीक है, ये सारे लोग थे जो ये जो RSS पार्टी है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये लोग मेंबर थे. साथ ही साथ इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था आजादी लेनी है, लेकिन पीसफुली नहीं लेनी है, उसे छीननी पड़ती है. या देख सकते हैं छोटी सी पिक्चर है, भाई गांधी जी ऐसे करके बैठे हुए हैं. चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उन्होंने मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था और बहुत लोगों की उम्मीदें टूट गई थी. ठीक है, सो ये जो पूरा हैपनिंग है 1920 से लेकर 1929 तक, ये मैंने आपको बता दिया. 1922 में चौरी चौरा हुआ था, 1930 में फिर डायरेक्ट आ गए थे, तो 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी हुआ था. ठीक है, ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.